क्वेश्चन चलो, एक आता है ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन केप्ट एंगल 60 डिग्री हॉरिजेंटल। चलो एक हॉरिजेंटल स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, उसको हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन है, चलो ये एक स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन है, एंगल 60 डिग्री है। अब यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा, शूट करूँ यहाँ से, ये 60 डिग्री है, और इसी इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे फेंकूंगा। ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को मैंने इसी इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे फेंक दिया। पहले हम हॉरिजेंटल पे अक्सर फेंका करते थे, तो ये जैसे ही मैं इसको फेंक दूंगा यहाँ से, ये कहीं पे जाके रुक जाएगा भाई, यहाँ पे जाके मान लो रुक गया, जिससे फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई यार, जीरो आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब कहता है कि ये जो डिस्टेंस है वो एक्स वन चलने के बाद ये स्टॉप हो गया। दिस डिस्टेंस इज एक्स वन, आफ्टर ट्रेवलिंग एक्स वन इट स्टॉप। एंड वेन द इंक्लिनेशन डिक्रीज स्मूथ सरफेस एट 30 डिग्री द सेम ऑब्जेक्ट शॉट विद सेम वेलोसिटी इट ट्रेवल डिस्टेंस एक्स टू। अगर मैं अब इसी कंडीशन को बदलता हूँ, सरफेस सेम है, देखना ध्यान देना, सरफेस सेम है, एंगल कम कर दिया गया, ठीक है, और वेलोसिटी तो वही है, यहाँ से यू वेलोसिटी से फेंका गया था, यहाँ भी यू वेलोसिटी से, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बदल गया यार, डिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो गया और वो x2 डिस्टेंस पे जाके रुकता है उसी सरफेस पे, और ये जो एंगल है वो मैंने 30 डिग्री कर दिया, समझना 30 डिग्री कर दिया, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। तो प्रॉब्लम क्या है, सवाल क्या है कि मुझे x1 और x2 की रेशियो निकालनी है। स्मूथ सरफेस है, सेम इनिशियल वेलोसिटी है, बट एंगल डिफरेंट है, ठीक है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस की रेशियो निकालनी है। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कैसे निकाला जाए बोलो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया जाए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल वेलोसिटी अगर जीरो हो गया और माइनस इनिशियल वेलोसिटी और ये रिटार्ड हो रहा है, तो माइनस टू एक्सलेशन ए और डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक है, और एक्सलेशन जो होता है, एक्सलेशन इन दोनों प्लेस पे, अब इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो माइनस सेम है, तो टू, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक्सलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग डिस्टेंस। और इंक्लाइंड प्लेन पे जो एक्सलेशन होता है वो क्या होता है बोलो, जी साइन थीटा। इंक्लाइंड प्लेन पे जो एक्सलेशन होता है, एक्सलेशन इज इक्वल टू, वो होता है जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू ए साइन थीटा टू अपॉन साइन थीटा वन, ये बनेगा हम लोगों को, साइन थीटा वन अपन साइन थीटा टू अपन साइन थीटा। साइन थीटा टू, देखो इसको मैं टू मान लेता हूँ, 30 डिग्री साइन 30, ठीक है, और डिवाइडेड बाई साइन 60। तो साइन 30 और साइन 60 का रेशियो लोगे तो कितना बनेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये साइन 60 √3/2, तो टू ने टू को मतलब ये आ जाएगा 1/√3। तो ये हम लोगों का फाइनल सोल्यूशन है, 1/√3 इज द 1/√3, मतलब सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है ना, द सेकेंड वन इज द करेक्ट, है ना, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट।